हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ सेजिटेरियस के लिए। सो देखते हैं सेजिटेरियस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे, चार्म्स जो है वो ऐड नहीं होंगे, टैरो फॉर श्योर होगा। सो क्या देखते हैं क्या आने वाला है सेजिटेरियंस के लिए बाकी के महीने में। शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपके साथ आपके लाइफ में मैच करते हैं आपकी सिचुएशन से, आप उन मैसेजेस को पिक किया करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक दफ़ा चेक कर लो, क्योंकि वहाँ पे सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ मैंशनड हैं अलॉन्ग विद द प्राइस। तो अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो और आपका भी। और इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, जो कि इंग्लिश में होती हैं। उस पूरे पेज पे जो भी कुछ होगा, वो सारा मेरे इंग्लिश चैनल से रिलेटेड पोस्ट होती हैं, और डेली रीडिंग भी इंग्लिश में होती है। अगर आप अंडरस्टैंड करते हो इंग्लिश, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो डेली रीडिंग्स के लिए। और इसके अलावा अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी कॉमेंट सेक्शन में। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए बाकी का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, द मून, मैजिशियन, आप जैसा सोच रहे हो कि वैसा हो रहा होगा आपकी लाइफ में। तो कोशिश करो कि पॉजिटिव से ज़्यादा पॉजिटिव से ज़्यादा पॉजिटिव सोचो, और हर वो चीज़ सोचो जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, आपकी लाइफ में क्रिएट हो। दुआ करो, अपने आप को कनेक्टेड रखो अपने खुदा से। इस टाइम के अंदर आपके लिए बहुत बेहतरी आ सकती है उन चीज़ों में, स्पेशली जिनमें आप स्टक हो, स्पेशली उन चीज़ों को लेके जिनको आप लेकर वरिड हो। अगर आप उसको सिर्फ पॉजिटिव उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, और एक एक एक्सपेक्टेशन रखोगे पॉजिटिव होने की, तो हमेशा पॉजिटिव होने लग जाएगा। स्पेशली इस टाइम के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आपके आसपास। और कोशिश करो कि सिर्फ अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें ही रखो, चाहे खुद से रिलेटेड हो, चाहे दूसरों से रिलेटेड हो। किसी के बारे में ना तो नेगेटिव सोचो, ना ही अपने बारे में नेगेटिव सोचो। और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचो जो कि आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो। अपनी लाइफ में क्या फ्यूचर अपने लिए देखते हो, उन चीज़ों के ऊपर फोकस रखो। जितना उनके ऊपर फोकस रखोगे, जो चीज़ें जा रहे हो, चाहे लव लाइफ में है, घर के मामलात हैं, चाहे काम की सिचुएशन में है, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो आपकी रियलिटी बनने के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस हैं। तो हमेशा सिर्फ अच्छा एक्सपेक्ट करो, हमेशा सिर्फ पॉजिटिव एक्सपेक्ट करो, हमेशा सिर्फ पॉजिटिव सोचो, ताकि वही आपकी रियलिटी बने। सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वांड्स, एक कार्ड लेंगे। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे होगे, तो वो भी आपकी रियलिटी बन जाएगी, जिसके मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस लग रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपने कोई चीज़ ऐसी नहीं सोचनी जो आप नहीं चाह रहे हो आपकी लाइफ में। आपने ये नहीं सोचना कि आई डोंट वांट दिस पर्सन इन माय लाइफ, चाहे वो पास से रिलेटेड एक इंसान है जिसके बारे में आप चाह रहे हो कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए अपनी लाइफ में वापस, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। आप बार बार एक चीज़ बोल रहे हो खुद को, और डर रहे हो, या दुआ कर रहे हो कि बस ये इंसान मेरी लाइफ में कभी वापस ना आए। जितना आप ऐसे करोगे या ऐसे सोचोगे, उतना वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो मेक श्योर कि आपका फोकस और आपकी दुआ जो है वो ये होनी चाहिए कि कौन आपकी लाइफ में आए। ये नहीं होना चाहिए कि ये ना आए, बाकी सारे कोई भी आ जाए। सो जस्ट नो वन थिंग कि आपने अपनी दुआ इस एंगल से करनी है, जहाँ पे आप सिर्फ उसके लिए दुआ करो जो आप चाह रहे हो। उसके लिए मत बोलो, उसके लिए मत अपने मुँह से कोई भी अल्फाज निकालो जो आप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि जो आप बोल रहे हो, जो आप लिख रहे हो, अगर आप स्क्रिप्टिंग यूज़ कर रहे हो मैनिफेस्ट करने के लिए, तो बहुत बेस्ट टाइम है आपकी लाइफ में अभी। आप अगर वो यूज़ करते हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए, वो चीज़ें को क्रिएट करने के लिए जो आप चाहते हो, तो बेस्ट टाइम है। लेकिन अगेन, मैं फिर से एक और चीज़, मतलब एक एम्फसाइज करना चाहूँगी एक चीज़ के ऊपर, कि आपने उस चीज़ के बारे में नहीं लिखना कि ये ये मुझे नहीं चाहिए। तो इट्स मोर लाइक कि जो चीज़ नहीं चाहिए उसको तो आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, जो चीज़ चाहिए सिर्फ उसके बारे में मेंशन करो, ताकि वो आपकी रियलिटी बने। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने रीसेंट पास्ट में कोई दुआ की हो जो कि अब आपको नहीं चाहिए, लेकिन वो दुआ आपकी पूरी हो रही है। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिसके बारे में आपने बहुत सोचा है रीसेंट पास्ट में, और वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, लेकिन अब वो आपको नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर वो आपको इस टाइम में रीच आउट करेगा या करेगी,
तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लाइक नहीं करोगे, आपका आपका दिल करेगा कि बस अब दोबारा ये मुझे रीच आउट ना करे, फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगी। आपने ये नहीं सोचना कि वो आपको दोबारा रीच आउट ना करे, बस अब यू नो आई डोंट वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ, क्योंकि शायद आपकी लाइफ में कोई और है अभी इस टाइम पे। आपने अपना फोकस ये रखना है कि आपको क्या चाहिए, आपको आपकी करंट पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, प्रपोजल चाहिए उससे मैरिज के लिए, जो भी चीज़ जो आप चाह रहे हो आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। चाहे ये पास्ट का पर्सन वापस आ भी गया, तो लेट द यूनिवर्स नो कि दिस इज़ वट यू वॉन्ट नाउ। आपने ये नहीं बोला कि ये नहीं चाहिए, आपने ये बोला कि ये चाहिए, जो भी आपकी लाइफ में भी है ऑलरेडी, आपने उसके बारे में बात करनी है। सो ये है आपकी रीडिंग। इसके अलावा देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या आने वाला है बाकी महीने के अंदर। अगर हम जॉब से रिलेटेड भी बात करें तो सेम एनर्जीज रहेंगी, जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में क्रिएट करना, जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, आप उसके ऊपर फोकस रखो। वो चीज़ों अगर सपोज स्पेशली आप अगर काम के मामलों में अगर हम बात करें, तो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा यू नो डर के चलोगे आगे, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डर मीन्स कि आपको एक फियर है कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, वो फियर आपने नहीं रखना। आपने बस ये रखना है कि हाँ आई विश एंड होप कि सब ठीक हो, सब अच्छा हो, सब बेस्ट हो, और वही होगा। डर के साथ आगे नहीं आप जा सकते, और अगर आप डर के साथ आगे चलोगे तो आपके लिए डर वाली और रीजंस आपको मिलेंगी, क्योंकि आपसे चीज़ें गलत हो जाएंगी काम के मामले में। सो अगेन अपने आप को पॉजिटिव रखो। इसके अलावा देखते हैं ओरेकल क्या कहता है। वेडिंग द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। अगर आप शादी चाह रहे थे तो मुझे लग रहा है कि वो हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अगेन किसके साथ वो आपने मेंशन नहीं किया। अगर आपने दुआ की है तो आप चाहते थे कि आपकी शादी हो जाए, लेकिन किससे हो, एक्स के साथ हो, करंट वाले के साथ हो, या कोई नया इंसान आप चाहते हो, क्लियर मैसेज दो यूनिवर्स को कि ये आप चाहते हो, ताकि वो चीज़ आपकी लाइफ में आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान वापस आए पास से जो कि आपको अब नहीं चाहिए। सो अगेन फोकस ऑन जो चाहिए, उसके ऊपर फोकस नहीं रखो जो आपको नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के दिल में फियर हो कि कहीं बस ये एक्स अब वापस ना आ जाए, और मुझे लग रहा है कि वही एक्स आपकी लाइफ में वापस आने वाला है इस टाइम के अंदर। सो जस्ट बी केयरफुल विद दैट थॉट। डांस, मेक योर बॉडी, सॉरी मूव योर बॉडी टू म्यूजिक, डांस विद द रिदम ऑफ लाइफ, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स थ्रू डांस। जितना हैप्पी रह के, जितना पॉजिटिव रह के आप इस टाइम को गुजारोगे और सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचोगे जो आप चाहते हो, आप खुद देखोगे कि एक एक चीज़ आपकी लाइफ में उसी तरह से मैनिफेस्ट होगी। और आप जितना आप ज़्यादा यू नो पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में आसानियाँ आएंगी। और जैसे ही आसानियाँ आती दिखेंगी आपको, आप और ज़्यादा मोटिवेट होगे पॉजिटिव सोचने के लिए। आप बेशक एक दो दिन के लिए ट्राई करके देखो, आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में कितने अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, और हर वो चीज़ जो आप चाहते हो आप अपनी लाइफ में को क्रिएट कर सकते हो यूनिवर्स के साथ मिलकर, अपनी पॉजिटिव थॉट्स के साथ यू नो काम करके आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचो, खुश रहो, और खुश रहने दो आसपास के लोगों को भी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा और खुशियाँ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। सो ये थी आपकी रीडिंग बाकी महीने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको मैसेज मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।